बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर, फार्म बेचना भी जो है फीस की परवाह में आता, धारा 2-2 है एक्चुअली, वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट, मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं, हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अधिकतम 200 रुपए रखी है और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोखों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, हम हैं मौजूद गली गली शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। हार के लिए कल संगठन को कोसने के बाद आज बदले कामत के सुर, कहा मैंने नहीं साधा चंद्रभान पर निशाना, तुम मेट्रो को लेकर राज्य पर बरसे पायलट। बीजेपी में नए चीफ के लिए कसरत शुरू, एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होगा लागू। भवरी मामले में परशुराम और ओम प्रकाश फिर होंगे गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने माना हत्या के आरोपी, तो आसाराम मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ी। उदयपुर में प्यार में पागल प्रेमी ने युवती को चाकू से मारकर उतारा मौत के घाट, तो चित्तौड़गढ़ में छात्र गुटों में खूनी संघर्ष, एक ने गंवाई जान। आईएस मोहंती के खिलाफ कसता जा रहा है शिकंजा, मोहंती के ठिकानों पर छापेमारी जारी, पीड़िता ने कहा जान को खतरा। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं विजय त्रिवेदी। गांधी की पुण्यतिथि मौका है अपने भीतर झांकने का और उन सवालों के जवाब ढूंढने का भी जिन्हें हम अक्सर कार्पेट के नीचे दबाने की कोशिश करते रहते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि हम गांधी को ठीक से शायद समझे ही नहीं, और जब हम किसी को ठीक से नहीं समझ पाते तो फिर उसे पूजने का उपक्रम करने लगते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को कभी हम महात्मा कहते हैं तो कभी राष्ट्रपिता और कभी संत, इनमें से कुछ भी गलत नहीं। गांधी ने इस मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति और समाज के लिए जो किया उस काम के लिए ये सब संबोधन बोने हो जाते हैं। गांधी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन हम हर दूसरे दिन मुल्क के किसी न किसी हिस्से में हिंसा की खबरें पढ़ते हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ जान देने वाले गांधी को याद करने से पहले और बाद में हम सिर्फ मजहबी बातें करते हैं और उस हिसाब से फैसले भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात सच का प्रयोग गांधी ने अपने पूरे जीवन में किया, जिससे हम हमेशा डरते हैं बचते हैं। इसी सच का एक सवाल है गांधी और दलित।
गांधी के सबसे बड़े आलोचक रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी पर सवाल उठाया था खुद उनसे जब कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस कम्युनिटीज को लेकर दोनों में मतभेद दिखाई दिए थे। तो छुआछूत को खत्म करने के लिए पूरी जिंदगी लगाने वाले गांधी को क्या दलित विरोधी कहा जा सकता है, इस कड़वे सवाल पर एक बेबाक बहस के लिए हमारे साथ हैं गांधीवादी विचारक सवाई सिंह जी, दलित थिंकर और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे आर के अंकोदिया साहब, दलित लेखक पीएल मीमरोट और राजस्थान विश्वविद्यालय में गांधी अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रोफेसर विद्या जैन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पत्थर देके उससे कहना चाहिए कि मेरा पूरा पुतला गिरा दो। ये क्या बोल रहे बापू? जो मैं कहता हूँ वो कहो। Are you sure? वो नौजवान के हाथ में पत्थर देने का और बोलने का कि बापू का फुल पुतला गिरा दो। इस देश में मेरे जितने पुतले हैं सबको गिरा दो। ये फुल कंट्री में बापू का जितना भी पुतला है ना सबको गिरा दो। हा? मेरी हर तस्वीर को दीवार से हटा दो। बापू की जितनी भी तस्वीर दीवार पे लटकीली है ना सबको हटा दो। हर इमारत, हर चौराहे, हर मार्ग जिस पे मेरा नाम लिखा हो मिटा दो। वो क्या है कि हर बिल्डिंग, नोट वोट, रोड से बापू का नाम निकाल दो। अगर कहीं रख सकते हो तो मुझे अपने दिलों में रखो। अगर बापू को रखने का ही चाहिए तो अपने दिल में रखो ना। समझा क्या? इधर रखना मांगता है, हार्ट में, हार्ट में। अरे क्या नहीं किया उसने अपुन के लिए? जेल गया, फास्टिंग किया, एक धोती पहन के आखे कंट्री का राउंड मारा, गोली भी खाया इधर इधर। और अपुन ने उसके लिए क्या किया? एक तस्वीर बनाकर दीवार पे लटका दिया और उसके नीचे आराम से रिश्वत लेता है। वो सोचा कि अपुन अपना कंट्री क्या मस्त बनाएगा, एकदम इम्पोर्टेंट जैसा। अपुन ने साला ही कंट्री का। सवाई सिंह जी, आज दिन भर हम लोग गांधी को पूछते रहे, श्रद्धांजलि देते रहे, जगह जगह कार्यक्रम किए, आप भी उस समारोह में शामिल रहे। क्या आपको लगता है उससे हम गांधी के रास्ते पर चल रहे? ठीक सवाल है आपका। आज जो परिस्थिति बनी हुई है उससे तो यही लगता है कि शायद गांधी का रास्ते को भटक गए हैं जी। गांधी के रास्ते पर रहते तो जो आज हालत बनी हुई है देश में, सांप्रदायिकता की, जातिवाद की, हिंसा की, आतंकवाद की, ये सारी समस्याएं जो हैं वो गांधी के रास्ते से भटकने के कारण पैदा हुई है। हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा। वैसे तो पूरी दुनिया अब सोचने लगी है। आप देखिए, यूएनओ में चर्चा होकर ये तय हुआ कि 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए पूरी दुनिया के स्तर पर, क्योंकि पूरी दुनिया हिंसा की गिरफ्त में है। तो ये देखा कि गांधी ने जो अहिंसा का रास्ता दिखाया उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, तो ये जरूरी हो गया है। और केवल हिंसा का सवाल नहीं है, हिंसा के कारण रहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं जी। उन कारणों पर भी काम करना पड़ेगा। हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा बेकारी के कारण हो रही है, हिंसा राजनीतिक फायदे के कारण हो रही है, किन कारणों से हो रही है, उन सारे सवालों पर भी काम करने की जरूरत है जो गांधी ने कहे थे जी। गांधी ने जो दिशा दी थी देश को, दुनिया को, पूरी मानवीयता के लिए उनकी दिशा थी, वो दरअसल भटक गए। और मैं तो ये कहूँ भटका दिए गए। सवाल दूसरा है सर, ये तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि भटक गए और भटका दिए। कौन ने भटका दिया? जो गांधी को नहीं मानता उनकी बात तो अलग है, जो गांधी को मान रहे हैं वो क्या उसको मान रहे हैं? जो मानते हैं और मानते थे, मानने का वो करते थे, वो भी कहीं ना कहीं रास्ते से भटके जी। और समाज में भी एक दूसरी तरह की हवा बहाई गई, मैं तो ये कहूँ बहाई गई। आप देखिए, ग्लोबलाइजेशन की नीति है, लिबरलाइजेशन की, मतलब हम फेल हुए, हम फेल हुए जी। जस साहब, गांधी को लेकर एक अलग तरह की विचारधारा भी हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में है, आप किस तरह से देखते हैं? जब पूरी दुनिया गांधी को मान रही हो, गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रही हो, तो गांधी से नाराजगी थी? गांधी
वर्ण व्यवस्था के पोषक थे जी, जातिवाद के पोषक थे जी। गांधी जी का ये कहना था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का प्राण है जी। यदि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था खत्म होगी तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा जी। और वो जाति आधारित व्यवसाय को महत्व देते थे, तरजीह देते थे, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जातिविहीन समाज के पोषक थे। उनका ये मानना था कि व्यवसाय आजीविका का साधन है, इससे जाति से, वर्ण से या जन्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यही मुख्य विरोधाभास था। वो व्यवसायिक स्वतंत्रता के गांधी खिलाफ थे, बाबा साहब व्यवसायिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, और इसलिए उन्होंने जातिहीन समाज की स्थापना के लिए पुरजोर कोशिश की और अछूतों के लिए अधिकार मांगे। प्रोफेसर, आज हमने ये सवाल भी कार्यक्रम में रखा था जो जज साहब कह रहे हैं कि क्या गांधी दलित विरोधी थे, गांधी को दलित विरोधी माना जा सकता है। आप यूनिवर्सिटी में गांधी को पढ़ा रहे हैं, गांधी के दर्शन को पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है जज साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात है? विजय जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा जो सवाई जी ने जहाँ बात छोड़ी है जी, एकेडमिक डिस्कोर्स पर आज गांधी का जो विकल्प है उसको पूरी दुनिया का बुद्धिजीवी मान रहा है जी। क्योंकि जो विकास के दो मॉडल्स थे, पूंजीवादी और मार्क्सवादी मॉडल, उनके अवसान के बाद गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जो प्रो पीपल है, जो प्रो दलित है, जो प्रो वुमेन है, इसको पूरी दुनिया मान रही है। और खासतौर से वैश्वीकरण के बाद जो पर्यावरणीय संकट और हिंसा की दो समस्याएं खड़ी हुई है, उनका समाधान गांधी के अलावा किसी के पास नहीं है। इसलिए गांधी को पूरे राइट पर्सपेक्टिव में ग्लोबल लेवल आप पर इतना अच्छे से गांधी को समझते हैं तो समझा क्यों नहीं पा रहे? नहीं, मैं समझा पा रही हूँ। हिंदुस्तान की त्रासदी है कि हमने गांधी को हर स्तर पे रिजेक्ट और डिजेक्ट किया। मतलब इस बात का दुख है कि गांधी के साथ किसी ने न्याय नहीं किया, ना उनके कंटेम्प्रेरीज ने किया, ना संविधान निर्माताओं ने किया, ना आजाद भारत के राजनीतिक दलों और उसके नेतृत्व ने किया। रोज गांधी को मारा जा रहा है। सवाल ये कि गांधी के अलावा विकल्प है कहाँ, जब आप हिंसा और पर्यावरणीय संकट, क्योंकि एक तरफ आप मदर नेचर से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप आपस में संघर्ष कर रहे हैं। गांधी के योगदान पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो जज साहब ने सवाल किया था उस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ आपसे। मुझे लग रहा है कितना एक अलग पूर्वाग्रह से देखा जा सकता है। मैं तो इसकी कल्पना नहीं कर सकती कि हम जब कहें कि गांधी दलित विरोधी थे, एक व्यक्ति जो हरिजन कहता है, जो सीने से लगाकर रखता है। गांधी का दलित उद्धार का तरीका बिल्कुल अलग था। वो मानव की गरिमा में विश्वास करते थे। इस विभेद को बढ़ाकर, इस गैप को बढ़ाकर, इस वितृष्णा को बढ़ाकर, स्वर्ण और दलित के बीच की डिवाइड को और बढ़ा करके जो आजकल हो रहा है, आप किसी स्वर्ण बच्चे से बात करिए तो उसको दलित से कुछ कुछ होता है। तो मैं गांधी चाहते थे कि ये वितृष्णा, ये ऑलरेडी डिवाइडेड वर्ल्ड और ना बटे, इसलिए वो आरक्षण के खेल पर मानवीय गरिमा के स्तर पे एक इंसान को इंसान, उससे बड़ा तो कोई दलित उद्धार का मुझे तो पोषक दिखाई नहीं देता। साहब, आप सहमत हैं मैडम से? मैं तो क्योंकि दलितों पर काम करते हैं, सोचते हैं, मैं इसलिए अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आजादी के दौरान जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो देश में दो बड़ी हस्तियां थी जिन्होंने दलितों के लिए काम किया जी। एक गांधी जी थे और एक डॉक्टर अम्बेडकर थे जी। अब हर चीज के दोनों पक्ष होते हैं जी। डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी में बुनियादी मतभेद, जैसे अकोदिया जी ने कहा कि जो गांधी जी बड़े सच्चे दिल से चाहते थे कि जो दलितों पर भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रही है, वो खत्म होना चाहिए। तो फिर उन्हें दलित विरोधी कहना ठीक नहीं है ना? नहीं, मैं दलित विरोधी, मेरा मानना ये है कि मैं गांधी जी को दलित विरोधी इसलिए नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जो 1932 में कमनल अवार्ड हुआ, पूना पैक्ट जी, पूना उसके बाद मतभेद ज्यादा हुआ जी। और वो जो पूना पैक्ट हुआ दलितों के उत्थान के लिए हुआ, किस तरह इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और खासतौर पर अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो वो जो उद्देश्य था दोनों का ये था कि अनटचेबिलिटी, भेदभाव, ये खत्म। अकोदिया साहब, आपको लगता है गांधी के अनटचेबिलिटी के मूवमेंट पे कोई शक आपको लगता है? नहीं, गांधी जी छुआछूत के खिलाफ थे जी, लेकिन व्यवसायिक स्वतंत्रता की वो भी खिलाफ थे। वो चाहते थे प्रत्येक जाति जातिगत व्यवसाय को करे जी, व्यवसायिक स्वतंत्रता के खिलाफ थे। वो चाहते थे भंगी का काम करे, चमार चमार का काम करे, नाय का काम करे। वो इसको आजीविका का जरिया न मान करके जन्मगत मानते थे। उन्होंने कहा यह जाति व्यवसाय यदि खत्म हो गया तो हिंदू धर्म धराशायी हो जाएगा जी। सवाई सिंह जी, आपको लगता है कि इसमें कोई विरोधाभास है, कोई कंट्राडिक्शन है? मुझे तो आश्चर्य लगता है, जिस गांधी ने भंगी के काम को खुद ने वर्ण किया जी,
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का इतिहास देख लीजिए, उनके आश्रम दोनों आश्रम में रहे, साबरमती या सेवाग्राम, कार्यकर्ता और स्वयं भी अपने पाखाने को खुद साफ करते थे। महतर महतर का काम करे, ये कहां से बात पकड़ी है ये समझ में नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को आप इस तरह से नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। नहीं, इस तरह और उन्होंने सवाल गांधी के पीछे से नहीं उठाया, गांधी के सामने उठाया। सामने उठाया, वो सेपरेट अपने आइडेंटिटी के लिए उठाया था उन्होंने। और आप कह रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट की बात, गांधी जी दोनों ही लीडरशिप क्राइसिस की बात थी, समाज के लिए समर्पित। आपको लगता है कि भीमराव अंबेडकर का ये सवाल उनकी लीडरशिप क्राइसिस के लिए था, सर्वाइवल के लिए था, कि वो अपने को लीडर स्थापित करना चाहते थे? तो ये समझता हूँ दोनों की अपने अपने तरीके थे जी, अपने अपने तरीके थे। गांधी पूरे समाज को एक साथ जोड़ना चाहते थे, अंबेडकर दलित को अलग करके और अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, जबकि गांधी कहते थे कि अलग नहीं सबको साथ में चलाएं। नहीं, लेकिन जो गांधी ने जो ये तक कहा था वो डिबेट में देख रहा था, मैं दलित के घर में मैंने जन्म नहीं लिया लेकिन दलित का काम करता हूँ जी, और आपने घर में दलित के घर में जन्म लिया और आप सवर्ण का काम करते हैं, तो ऐसी बात नहीं। गांधी ने तो आप देखिए जातिवाद को कलंक माना, लेकिन को सवाई सिंह जी नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो पूना पैक्ट और जो कम्युनल अवार्ड की बात हो रही है और उसमें जो डिबेट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में, खासतौर से जिस इशू को लेकर, पॉलिटिकल पावर को लेकर और इलेक्टोरेट को लेकर, उस पर तो गांधी गलत साबित हुए ना? इलेक्टोरेट को लेकर ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैं कहूँ की गांधी का स्टैंड सही, राष्ट्रपिता गांधी ने जो कहा कि सच का प्रयोग करना चाहिए, आपको सच को स्वीकार करना चाहिए। गांधी उस पर गलत साबित हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म टूट जाएगा, धराशायी हो जाएगा, उनको चिंता थी कि हिंदू पूरी जो यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी, वो तो नहीं हुई। आज हमने वो दलित की बजाय एससी एसटी रिजर्वेशन जो किया उससे हिंदुस्तान तो नहीं टूटा। नहीं नहीं, देखिए वो तो उन्होंने खुद ने भी कहा कि विशेष अवसर देना होगा, विशेष अवसर का सिद्धांत अम्बेडकर जी को संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाने का सुझाव, ये सारे सुझाव भी गांधी के ही थे। गांधी का नहीं था ये, तो ब्रिटिशर्स का था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिशर्स ने भीमराव अंबेडकर को बनाने के लिए, क्योंकि वो लंदन से लौटे थे और पढ़े लिखे वकील थे, तो ये तो उनका आइडिया था। नहीं नहीं, आप देखिए गांधी का आइडिया नहीं था। कांग्रेस में भी मतभेद थे, कांग्रेस में मतभेद थे, लेकिन मैंने जितना इतिहास को समझा, अंबेडकर जी की वकालत की, वकालत की होगी, लेकिन ये आइडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कि संविधान समिति की उनके सुझाव की वकालत करना अलग मुद्दा है। उनके सुझाव पर से ही जी ये गांधी जी को वो किया गया। प्रोफेसर, आपको लगता है कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन है? बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसे तो न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी महापुरुष के कंट्रीब्यूशन का आकलन सही दृष्टि और सही पर्सपेक्टिव से अगर नहीं करते हैं, तो फिर बिल्कुल चीजों को समझा नहीं जाता। गांधी एक बिल्कुल अलग ढंग से, गांधी के अन्य विषयों के योगदान की चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, मैं सिर्फ दलित विमर्श की बात कर रही हूँ। दलितों को भी जब वो देखते हैं, वो खंडित दृष्टि से किसी वर्ग को नहीं देखना चाहते। एक व्यक्ति जो पूरे समन्वय की बात करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है, जो पूरे वैश्विक गांव की बात करता है, उसके लिए दलित एक खंड या, क्योंकि अंबेडकर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में काम कर रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे एक वर्ग विशेष। आप प्रोफेसर हैं, आप गांधी दर्शन पढ़ा रहे हैं, मैं इसको कम्युनल अवार्ड में गांधी के स्टैंड को समझना चाहता हूँ। नहीं, वो तो बहुत सारा, उसको उस बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत झंझट होंगे, क्योंकि उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। मैं कहना ही चाहती हूँ, आप उस सवाल से बचना चाहते हैं? नहीं, मैं बचना नहीं चाहती, मैं अपनी बात तो रखूं जी। गांधी एक पूरा समन्वित समाज की रचना में लगे हुए। गांधी कहता है, गांधी का देखिए एक वन लाइनर बहुत खूबसूरत है, गांधी कहता है मैं हूँ तो तुम हो और तुम हो तो मैं हूँ। बिल्कुल ऐसी इंटरडिपेंडेंस की बात करते, और इंसानों के बीच में नहीं, पशु पंछी नदी झील तालाब पहाड़ सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो आपने, और अंबेडकर एक वर्ग, मैं नहीं कह रही कि अंबेडकर का योगदान बहुत बहुत ठोस है, जो संवैधानिक प्रावधान उन्होंने किया, रिजर्वेशन से जो पीछे छूटा हुआ एक वर्ग था, जिस तरह मुख्यधारा में आज खड़ा है, खुशी होती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ। दलित को जो पिछड़ा है, दबा कुचला, उसको इस तरह की विराट दृष्टि इतनी आसानी से नहीं समझाई जा सकती जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पर मैं एक उदाहरण देता हूँ जनरली, कि हम लोग गर्व से कहते हैं कि वी आर इंडियन, लेकिन कोई अंग्रेज आपको बोले यू इंडियन तो कैसा लगता है? तो बिल्कुल वही वैसी बात है कि आप तो वंचित की चिंता करते हैं पूरी दुनिया में। नहीं, मैंने आपसे जो सबसे पहले दलित को सबसे अधिक अवेयर किया, यानी चेतनशील किया गांधी। अकोदिया साहब, देखिए गांधी का जो तरीका है, नैतिक तरीका है, आध्यात्मिक तरीका है, समग्र तरीका है,
और वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में अंबेडकर काम कर रहे थे और एक वर्ग विशेष के उद्धार में। आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और एक संत की तरह, तो दोनों में फर्क, आकलन उसी दृष्टि से करना होगा। गोल में समेत द्वितीय गोल में सम्मेलन में जो समझौता होता गांधी ने दस्तखत किए थे और उसमें दो वोट का अधिकार मिला था कम्युनल अवार्ड में जी। उस कम्युनल अवार्ड पर दस्तखत करने के बाद गांधी इंडिया में आके मुकर गए जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि इस कम्युनल अवार्ड को मैं जो अछूतों को अधिकार दिए गए हैं उसको वापस ले लीजिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया जी। उसके बाद वो अनशन पर बैठे, उन्होंने 20 सितम्बर को आमरण अनशन किया इसके विरुद्ध। 24 तारीख को क्योंकि दलित बस्तियां जलाई जा रही थी, बाबा साहब को जान से मारने का खतरा था, उन्होंने मजबूरी में पूना पैक्ट पर 1932 एग्री किया उस पर हाँ, और दो वोट के अधिकार को उन्होंने छोड़ा। इसके बाद में उन्होंने कहा गांधी की जान बचाने के लिए मैंने कम्युनल अवार्ड में संशोधन किया है। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे कि गांधी की समन्वित दृष्टि और अंबेडकर की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इसमें से क्या कितना सही है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं और बहुत ही खास मुद्दा है, आपका हमारे साथ बना रहना बहुत जरूरी है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव 2014 22 से 31 जनवरी तक इस बार आयोजित हो रहा है रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर में। आज मम्मी को सरप्राइज दूंगी, उनके लिए आई कंट्रोल प्लस जो ले आई हूँ, इसके साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स वो जब चाहे देख सकती हैं। लाइव टीवी प्रोग्राम्स को पॉज, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती हैं। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। मैं तो कहती हूँ आप भी ले आओ आई कंट्रोल प्लस, आप सब कुछ कंट्रोल में है। आज गांधी जी सच्चे रूप में गांधी जी की ज़रूरत है हमें। गांधी जी का एक बहुत बड़ा महत्व है हिंदुस्तान की धरती पर, और आप सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में जहाँ भी जाएंगे गांधी जी की तस्वीर जरूर आप। अंकोदिया साहब, एक पुस्तक मैंने आपकी देखी है, अभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की विडम्बनाएं, मुझे पता पड़ा कि आपकी किताब को लेकर भी काफी विवाद हुआ, काफी नाराजगी भी लोगों ने की, ऐसा क्या है? और जब पूरी दुनिया में, जैसे प्रोफेसर साहब भी कह रहे, सवाई सिंह जी भी कह रहे हैं, और ये तथ्य भी है कि पूरी दुनिया में, वो अमेरिका में हो, इटली में हो, यूरोप में हो, जर्मनी में हो, और अभी मैं कल पढ़ रहा था कहीं पर कि चीन में भी गांधी को लेकर इतनी ज्यादा आस्था है, उसको फॉलो करने के लिए उनके बहुत सारे सिद्धांतों को, आप क्यों नाराज हैं? धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। यहाँ के दलित धर्म की दीर्घकालीन राजनीति के शिकार है। धर्म क्या है इस किताब में मैंने देखा है, ये शासक और शासित के बीच में कार्य विभाजन है, हिंदू धर्म और कुछ नहीं है, और उसी को रेखांकित करते हुए ये किताब लिखी है जिसपे कंट्रोवर्सी है। यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम 6, 7, 8 और 9 पढ़ेंगे, उन्होंने धर्म पर लिखा है, भुगता है, और उसी आधार पर उन्होंने गांधी से संघर्ष किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जो दलितों का जितना भी उद्धार हुआ सो कॉल्ड, मैं उसको पूरी तरह से नहीं कह रहा, या जिस भी स्तर पर पहुंचे हैं, उसमें गांधी का कोई योगदान है?
गांधी पहले लोगों में से होंगे, राजनेताओं में से हिंदुस्तान के, जिसने हिम्मत की कि वो अछूत के घर पहुंचे, उसके साथ रहें, दलित के साथ रहें, और छुआछूत के खिलाफ आवाज देना उस वक्त में, ये गांधी को क्रेडिट नहीं देना चाहते आप इसके लिए? नहीं, गांधी जी छुआछूत के खिलाफ थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, लेकिन गांधी जी व्यावसायिक स्वतंत्रता, दलितों के खिलाफ थे, व्यावसायिक स्वतंत्रता के खिलाफ जी। मिमरोड साहब, आपको लगता है गांधी दलितों के खिलाफ? मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि बुनियादी मतभेद था गांधी जी में, अंबेडकर मतभेद होना ठीक है, उसमें क्या बुरा, लेकिन उसका जैसा है, आज अगर आज हम देखें, आज बहुसंख्यक जो हमारे दलित समाज के लोग हैं जी, वो ज्यादातर अंबेडकर के समर्थक हैं जी, वो कहते हैं हमारा असली जो है मसीहा अंबेडकर है, और हिंदुस्तान में जितनी तेजी के साथ ये बहुत के समर्थक और अनुयायी हैं, बड़े हैं, उतने गांधी जी के नहीं है। हालांकि मैं मानता हूँ गांधी जी ने दलितों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, 32 के बाद उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, गांव-गांव में गए, कांग्रेस के कार्यक्रम में भी रखा, लेकिन वो जिस तरीके से चलना चाहिए था, प्रोजेक्शन ठीक नहीं, जो कॉल अंबेडकर ने दी। सवाई सिंह जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही मिमरोड साहब ने कि आज का हिंदुस्तान का जो दलित है वो अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है, क्या वो गांधी के योगदान को भूल गया है, या आपकी और हमारी गलती है कि आप गांधी को ठीक से नहीं समझा पाए? शायद गलती हो हम लोगों की भी, 30 वर्ष में गए 30 सालों में जी। आप देखेंगे, क्योंकि मुझे लगभग 45 साल का तो काम बहुत अच्छी तरह से ध्यान है ही जी। गए 30 साल में राजनीतिक दृष्टि से जी, गांधी वर्सेज अंबेडकर खड़ा किया गया जी। मतभेद होना ठीक बात है, कोई बात ऐसी नहीं है जी, लेकिन वर्सेज बनाम खड़े करना ये राजनीति रही है जी। आप देखेंगे गांधी को दलित समाज 30 साल पहले तक गांधी को ही अधिक मानता था, अंबेडकर जी को नहीं मानते थे जी। अंबेडकर जी को इन 30 सालों में अधिक प्रोजेक्ट किया गया है जी। और वो पॉलिटिकल कारणों से किया गया है कि तो मतलब गांधी कांग्रेस के साथ में वोट बंधा हुआ था दलित का, उस वोट को तोड़ने के लिए अंबेडकर जी को सामने लाया गया, वो राजनीतिक दृष्टि से, और उस तरह से उस वोट बैंक बनाने की कोशिशें हुई है जी। एक तो ये चीज, सबसे पहले गांधी ने अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे तब भी उन्होंने दलित को बराबर का दर्जा दिया, भारत में 1915 में आने के बाद तो पूरी तरह से, और दलित समाज को खड़ा किया, संगठित किया, आगे किया और साथ में लिया, व्यवहार में साथ में लेकर काम किया, वो गांधी जी का ही पहल थी और दूसरों की ऐसी पहल नहीं थी। जो बाद में आरक्षण की बात भी हुई तो ऐसी बात नहीं, संविधान में और इस विशेष अवसर देने का ये सारे गांधी जी की अपनी उसमें थी, योजनाओं में रही है जी। गांधी दलित विरोधी नहीं थे, बल्कि दलितों की शक्ति पहली दफा देश में उन्होंने खड़ी की। कांग्रेस में इस तरह की हालत बना दी थी कि कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता वही प्रतिष्ठित होगा जो दलित में काम करेगा, और वो कांग्रेस मैन ये होता था कि दलित में काम करते थे, उस समय समाज की जो घुटन थी उसमें उस सवर्ण कार्यकर्ता जो दलित में काम, उसको घर से निकलना पड़ता था, उस जाति से निकलना पड़ता था, तब भी काम करता था, और इस मामले में कि मैं सच्चा कांग्रेस मैन हूँ ये प्रतिष्ठा लेकर, तो ये गांधी ने पैदा किया जी। प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मैं जज साहब से पूछना चाहूंगा, आपको आपत्ति है इसमें से किसी बात पर? नहीं, ऐसा था, जकड़न को गांधी ने तोड़ा। अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी है, व्हाट गांधी हैज डन फॉर अनटचेबल, हू वर दी सुधराज। यदि सवाई सिंह जी उन किताबों को पढ़ लें तो इनको पता लगेगा गांधी और अंबेडकर में क्या कंट्रोवर्सी थी जी। गांधी क्या चाहते थे? गांधी छुआछूत के खिलाफ थे, लेकिन व्यवसायिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थे, वो जाति तोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा जाति हिंदू धर्म का प्राण है, यदि जाति खत्म हो गई, व्यवसायिक स्वतंत्रता लोगों को मिल गई तो हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। वो धर्म को केवल जाति से जोड़ते थे, धर्म को केवल व्यवसाय से जोड़ते थे, यही बाबा साहब से उनका विरोध था। देखिए 40 के बाद जी, मैं कहना चाहूंगा 1940 के बाद गांधी जी ने किसी भी एक जाति